जय हिंद दोस्तों। भूतपूर्व सैनिक और अन्य फ्रेशर के लिए एटीए सिक्योरिटी गार्ड में वैकेंसी निकली हुई है। एटीए सिक्योरिटी एजेंसी में वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो निकली हुई है 6,000 प्लस पदों पर वैकेंसी है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की भी है और सिक्योरिटी गार्ड की भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। ये वैकेंसी है जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एटीए सिक्योरिटी सर्विस, पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर। तो दोनों पोस्टों के लिए भर्ती है, अलग अलग पद हैं, टोटल 6,000 पद हैं टोटल। इसके बाद जॉब रहेगा, सिक्योरिटी जॉब रहेगी, मल्टीपल लोकेशन, कई अलग अलग लोकेशन में है, तो लोकेशन भी बताएंगे कौन कौन से लोकेशन में है। 18 अप्रैल से फॉर्म भरे जा सकते हैं, 18 अप्रैल 2022 से आप भर सकते हैं। इसमें डेट मेंशन नहीं है, लेकिन 31 मई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। 31 मई तक जिसको भरना है भर सकता है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस, कोई फीस नहीं लगेगी, बिना फीस के आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू बेस पर जॉब रहेगी, इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन कैसे भरेंगे वो भी बताएंगे। तो आगे देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो एलिजिबिलिटी अलग अलग है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए अलग है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 8 पास मांगा गया है और 10th 12th पास है सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए। तो 12th और 10th है तो सुपरवाइजर में अप्लाई करेंगे, 8 पास हैं तो सिक्योरिटी गार्ड में अप्लाई करेंगे। इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज रहेगी 18 साल, मैक्सिमम एज 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन 55 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, चाहे जेसीओ हो चाहे ओआर हो। जेसीओ भी अप्लाई कर सकते हैं सुपरवाइजर के पोस्ट पर, ओआर भी सुपरवाइजर के पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 10 साल। तो टोटल ये 10 साल मिला के 55 साल एक्स सर्विसमैन की है, तो ये ध्यान रखें। अभी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू और HR इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन है। डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की सैलरी रहेगी 18,500 रुपये, प्लस इसमें HRA मिलता है, रहने का और खाने का मिलता है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए सैलरी रहेगी 13,500, इसमें भी HRA और खाने का भी मिलेगा, तो दोनों चीज इसमें मिलेगा। इसके बाद एप्लीकेशन फीस जो लगेगी, कोई फीस नहीं देनी है दोनों पोस्टों के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई फीस नहीं देनी है, वुमेन अगर अप्लाई कर रहे हैं उनको भी कोई फीस नहीं देनी है। जॉब लोकेशन की बात कर लें, अलग अलग जॉब लोकेशन है। सबसे पहले दिल्ली में अलग अलग जॉब लोकेशन, मल्टीपल जॉब लोकेशन दिल्ली में है, नोएडा में भी है और गाजियाबाद में भी है। नोएडा गाजियाबाद में भी है, इसके बाद मुंबई में भी अलग अलग जॉब लोकेशन है। ये सिक्योरिटी जो सर्विस है, ये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई में इसकी एजेंसी है, इसकी सिक्योरिटी एजेंसी है। कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए देख लें, इसमें दिया हुआ है प्लीज सेंड योर रिज्यूम टू ईमेल गिवन ब्लो। इस ईमेल पर नेहा भाटिया 65@ सेंड नाउ डॉट विन पर आप ईमेल भेज के एक अपना रिज्यूम भेज देंगे, जिसमें कि सारी आपकी डिटेल होगी, पर्सनल इन्फो होगी, कहाँ पे जॉब की है, फ्रेशर है तो फ्रेशर, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस ईमेल एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। तो ये फॉर्म रिज्यूम कैसे बनानी है, तो रिज्यूम का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो जिसने नहीं देखा है देख ले, उसका भी लिंक मैं डिस्कशन में दे दूंगा। वो रिज्यूम आपको इस ईमेल एड्रेस पे भेजनी है। तो ये वैकेंसी थी सिक्योरिटी गार्ड की और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की। काफ़ी वैकेंसी हैं, हालांकि सैलरी कम रहती है लेकिन वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 6,000 प्लस पदों पर वैकेंसी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।